विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री है, वो हमारे सर्वोच्च नागरिक है, तो वो आ रहे हैं हमारे धरती पे, तो अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं वो आदिवासी समाज के हितैषी बन करके आ रहे हैं, जो कि वो है नहीं। अगर वो हितैषी होते तो यहाँ ना आकर के जो 6-7 महीने से जो हमारे आदिवासी भाई को जो मारा जा रहा है, हत्या हुई है मणिपुर में, तो वहाँ उनको जब पहले जाना चाहिए और वहाँ से शुद्धि लेनी चाहिए, जो कि उन्होंने अभी तक उनका किसी भी तरह का प्रकार का प्रतिक्रिया नहीं दिया, ना वहाँ किसी तरह का कुछ लोगों को सहायता पहुँचाया, ना कुछ। तो इस वजह से हम लोग विरोध करना चाह रहे हैं। यहाँ तो सरकारी कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम को लेकर आ रहे हैं प्रधान। सरकारी कार्यक्रम तो ये बहाना है, सरकार अभी मार्च या मार्च में आपका लोकसभा का इलेक्शन है, मेन मुद्दा तो वो है। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि झारखंड पे उनकी पकड़ कम हो रही है, आदिवासी लोग अभी जाग रहे हैं, तो उनको फर्क उसी वजह से वो उलियातों में आ रहे हैं। बिरसा भगवान जो है हमारे, वो उस चीज को वो कभी माफ नहीं करेंगे, और आदिवासी समाज पूरा उस चीज को लेकर के कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि मणिपुर में अभी तक से उन्होंने कोई भी आदिवासी भाई की शुद्धि नहीं ली है। तो इस कार्यक्रम में आपको आदिवासी संगठन या फिर वैसे आदिवासी समाज से कहाँ कहाँ से आपको समर्थन मिल रहा है कि इस ये कार्यक्रम सभी का? जगह से आदिवासी भाई को भाई लोग समर्थन करेंगे, और मैं खुद से आह्वान भी कर रहा हूँ कि लोग जागे, अधिक से अधिक जागे। अगर आज नहीं जागेंगे तो आज जो हमारी जो छवि जो है आदिवासी के टाउन पे नहीं दिखता है। अभी हम लोग सब गांव में सिमट गए हैं। अभी आप एक समझ लीजिए, अब हमको उल्लुगान करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं अबुआ दुसिम अबुआ राज ये चीज करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हमारी आदिवासी समाज पूरी खत्म हो जाएगी। क्योंकि 15 नवंबर जो है तो राज्य स्थापना दिवस भी है, भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी है, तो इस दिन तो भगवान का दर्जा प्राप्त है बिरसा भगवान को, वहाँ तो कोई भी आ सकते हैं। नहीं, कोई भी आ सकते हैं। मैं ये नहीं बोला कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उनको नहीं आना चाहिए। आ रहे हैं, लेकिन वो किस मंशा से आ रहे हैं, मंशा उनकी गलत है। पहले अगर वो मणिपुर जा करके आते तो हम स्वागत, हम पूरे आदिवासी भाई, पूरे झारखंड के पूरे भाई बहन मिलकर उनका स्वागत करते कि हाँ, इन्होंने आदिवासी भाई के लिए वहां गए। लेकिन 6-7 महीने तक वो क्यों नहीं गए हैं अभी तक से? यहाँ कहीं ना कहीं वो अपनी यहाँ राजनीति पहुंच को दिखाना चाह रहे कि हम आपके आदिवासी भाई के लिए हम खड़े हैं। खड़े रहते तो वो सबसे पहले मणिपुर में जाते। वो मणिपुर में क्यों नहीं गए? उनका उनका जवाब अभी तक से इस पे कुछ भी टिप्पणी नहीं है। विरोध प्रदर्शन करने का मतलब है कि हम लोग अपनी भावना बस उनको दिखाना चाह रहे हैं। जो आप लोग जो बोले सरकारी मतलब कि ये आवागमन है, उससे कहीं कुछ बाधित होगा। कहीं ना कहीं हम अपना विरोध दर्शाएंगे उनको। आप विरोध प्रदर्शन करेंगे तो फिर प्रधानमंत्री जो है वहां के लोगों से कैसे मिलेंगे? विरोध प्रदर्शन होगा तो मिलने तो नहीं सकेंगे। नहीं, अगर अगर उन पे चाहत हो गया, अगर आदिवासी के हितैषी बनना बन रहे हैं वो, तो आराम से मिलेंगे। ऐसा थोड़ी है कि अगर कोई विरोध कर रहा है तो आप वहां नहीं जाएंगे। आपको वहां जाकर के समझाना पड़ेगा कि भाई हम आपके आपके हैं, सुख दुख में खड़े हैं। तो वो कौन बताएगा? आप जहां तक बोलते हैं कि सुख दुख के साथी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है उनको जांच एजेंसी बैठा करके आप चाहते हैं कि सरकार गिर जाए। आदिवासी मुख्यमंत्री को प्रताड़ित कर रहे हैं, ईडी सीडी को भेज दे रहे हैं हमेशा। वो क्या मजाक है? कहीं ना कहीं वो मजाक ही हो रहा है। आप सरकार नहीं बना पा रहे तो सरकार गिराने के पक्ष पे काम कर रहे हैं। ईडी सब मुख्यमंत्री के पीछे जो लगा दिए गए हैं आपका कहना है, तो इसे किस किस तरह से परेशानी हो रहा है? परेशानी में मेंटल तो टॉर्चर किया जा रहा है। परेशानी क्या होता है? मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है कि भाई तुम सरकार गिरा दो या मेरे पास आ जाओ, नहीं तो फिर हम तुमको मतलब कि परेशान करते रहेंगे। आखिर ऐसा थोड़ी है कि बीजेपी में ऐसा मतलब कि बीजेपी में किस नेता के पास ईडी या जांच एजेंसी अभी बैठ रही है? जरा हमें बताएंगे? किसी के पास नहीं बैठ रही है। जो उनके साथ में है, उनके साथ मतलब कि उनके साथ ना ईडी जाती है, ना जांच एजेंसी उसके घर पे बैठती है। आपको क्या लग रहा है कि आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये ईडी बैकफुट पे आ जाएगा या फिर वो कार्यक्रम वो वास्तव तो में? आने वाला समय बताएगा। जब हमारा समाज पूरा इकट्ठा होकर के जब पुरजोर विरोध करेगा, तो वो सबको दिखेगा ये बोलने वाली बात नहीं, और ये हम लोग करके दिखाएंगे।